नमस्कार, एक बार फिर से दिखाना चाहेंगे कि दूसरा पक्ष जो है सामने आया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या क्या नाम है? क्या करे? आपका भी घर जल गया? आपका कितना सामान जल गया? सारे सामान जल गया। आपको कब पता चला कि दीदी आग लगी? सीधी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के जिले यमुनानगर से, जहां पर आप सभी को जानकारी दे दें कि अगर सैन चौक के नजदीक झुग्गियों में आग लग जाती है, जिसके बाद एक दूसरे पर जो है आरोप प्रत्यारोप लगाती हुई माताएं नजर आ रही हैं। इनका कहना है कि आपसी रंजिश के चलते, चोरियों के चलते इनकी दो झुग्गियों में आग लगा दी जाती है, जिनके बाद जो है झुग्गियां जल कर राख हो जाती है। और और एक दूसरे पर जो है आरोप लगाते हुए नजर आते हैं। खैर, सच की जो बात है वो तो खैर तफ्तीश के बाद ही पता चलेगी। और मौके पर जो है पूरी प्रॉपर टीम पहुंच चुकी है, आपातकालीन सेवाओं के साथ साथ यहाँ पर जो है तमाम पुलिस के जो है जवान भी खड़े कर दिए गए हैं, किसी भी प्रकार का लॉ ऑर्डर खराब ना हो, जिसके चलते जो है तमाम लोग खड़े कर दिए गए। जो भी इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, शेयर जरूर कीजिएगा। दूसरा पक्ष भी आपको जरूर सुनाएंगे क्या कुछ उन्होंने कहा था। वीडियो को शेयर जरूर करते रहिएगा। नमस्कार, एक बार फिर से दिखाना चाहेंगे कि दूसरा पक्ष जो है सामने आया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या आपका भी घर जल गया? आपका कितना सामान जल गया? सारे सामान जल गया। और क्या? आपको कब पता चला कि दीदी आग लगी है? मैंने क्या बोला जी? मेरा नाम पूजा है। पूजा जी, क्या ये हुआ चले गए थे कल? क्या हुआ था? पूरा ही है ना, हम तो उधर रहते परली साइड पे, ठीक है। हम तो भाग के आए जिस टाइम आग लगी, और एम्बुलेंस को भी बुलाया, पानी वाली को भी बुलाया कि हमारी तरफ भी जाएगी आग, हम भी तो जलेंगे, हमारी भी झुग्गी है। हमारी कोई रंजिश नहीं, ये काली मंदिर जा चुका है यहाँ से अपना घर। ये तंबू झुग्गी छोड़ गया था, सामान सारा काली मंदिर ले गया अपना, ठीक है। ये तो जो एक दो घर है, इनका सामान पड़ा था यहाँ, काफी साल से रह रहे हम तो, 40-50 साल से रह रहे। आप क्या काम करती हैं? काफी समय से रह रहे हैं। ये सूचना कब मिली कि आग लगी? ये सोए पड़े थे अंदर, अच्छा। तो इन्होंने देखा पीछे से एकदम आंच आया, तो लाइट वगैरह है, लाइट ले रखी है इन्होंने सबने, तो शॉर्ट सर्किट कह रहे हैं, लाइट ले रखी है सबने, पता नहीं अब कैसे लगी आग, कैसे नहीं लगी। आपका भी सामान जलकर राख है, चलो आपका भी देखते हैं। तो कहीं ना कहीं सामान जलकर राख हो गया है, और इन लोगों का कहना है कि जिंदगी भर की कमाई जो है दूध उकर कर जल गई है। जो भी इस खबर को, इस वीडियो को देख पा रहा है, शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी को दिखा दें, कच्चे मकान बने हुए थे, तिरपालों की छत है, जिसके बाद काफी नुकसान हो गया है। ये झुग्गी किसकी है? ये वाली, ये भी जली है, आपकी भी जली है। क्या नाम है आपका? रीटा। रीटा क्या काम करती है? पूछो मेरा आपका हाँ, हाँ, मेरी झुग्गी है, और घास दी झुग्गी है। अच्छा, घास दी झुग्गी है। अच्छा, सभी झुग्गियां जली हैं यहाँ पे जी। जी, तो सारी झुग्गियां जलकर राख हो गई हैं, और कह रहे हैं कि काफी जो है नुकसान हो गया है। नुकसान होने के बाद, अच्छा ये आपकी झुग्गी है? आकाश था तुम वहाँ, अच्छा छोकर जल गया, मेरा छोकर जल गया, भी लड़का भी जल गया है, लड़का बच गया है। क्या कुछ लगता है किस कारण लगी है? अब क्या बताऊँ, क्या मैं लगी आग के? मैंने आप कब थी, आप कहाँ थी जब आग लगी? जितनी पैसे मैं पक्का लगा, आप सो रहे थे जब आग लगी? रात लगी है। तो आप सभी को दिखाने का प्रयास करेंगे कि आग काफी लग गई है, संदूक में जितना जिंदगी भर का सामान था जलकर राख हो गया है, जिंदगी भर की कमाई जल भर राख हो गई है। कूड़ा बीनने का काम करते थे, घर घर से कूड़ा उठाते थे, और कहीं ना कहीं दो चार पैसे कमाकर रोटी का गुजारा किया करते थे, लेकिन आज जो है झुग्गियां जलकर राख हो गई
गई है, एक पक्ष सामने आया था, दूसरे पक्ष को भी आप सभी ने बताया, आप सभी के सामने जो है उनकी बातचीत भी रखने का प्रयास किया, लेकिन बेहद ही दुखी करने वाला ये हादसा हुआ है जिसमें जो है झुग्गियों में काफी आग लग जाती है, और आग लगने के बाद आप सभी को दिखा रहे हैं कि त्रिपाल जो है जलकर राख हो जाता है। किसी को वैसे चोट आई है? चोट नहीं आई जी। आप क्या कर रहे थे उस टाइम पे? अब तो जी सूखना देने गए थे, मत्था टेकने। पूजा टेकने गए थे? हां, पूजा देने। कितने लोग थे यहाँ पे? आप थे यहाँ पे? तो सारी झुग्गियां जो हैं जलकर राख हो गई है। बताया जा रहा है कि काफी सालों से ये बस्ती के लोग यहाँ पर रहते थे, और रहने के साथ साथ यहाँ पर जो है सामान जलकर राख हो गया। ये भी आग लगी थी सर, तारों की वजह से। उधर हमारा कुछ भी नहीं बचा था, कुछ भी नहीं मिला। पहले भी हमें सरकार की तरफ से साजिश नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। हां, अचानक सर जी, अचानक इनका आरोप है कि ये साजिश है। हां सर जी, आरोप है। हां सर, वो आरोप तो आपसी रंजिश है। हम तो कोई रंजिश नहीं करते, हमें क्या जरूरत है सर। हमारे भी झुग्गी, अगर हम किसी की झुग्गी को आग लगाएंगे तो हमारे ही जलेगी। सारी जली है, कौन सी थी जो आप? इनकी ये थी बस, इसके लड़के की। सामान खाली थी सर, बिल्कुल। वो झुग्गी पड़ी इसकी, वो अभी बची हुई है, इसके लड़के की भी जलगी। इनका सामान, आपका सामान सारा जल गया। हमारा सारा जल गया टोटल। तो सामान जो है जलकर राख हो जाता है, और एक आरोप दूसरे आरोप पर प्रत्यारोप के लगाता हुआ नजर आ रहा है। जो भी इस वीडियो को, इस खबर को देख पा रहा है, शेयर करे। छोटे छोटे बच्चे मेरे पास, सारा सारा जल गया। यहाँ सर, ये सारा जल गया, ये देखो मेरे छोटे छोटे बच्चे सर, सारी जिंदगी खराब हो गई। सारा जल गया सर जी, छोटे छोटे बच्चे हमारे पास तो विधवा सर जी। हाँ विधवा सर जी, ये भी विधवा सर जी, ये विधवा अपने घर को कौन आ लगा? चौक वाले ने खुलाया हमारा सामान आके, जो सब कितनी देर पहले लगी थी दीदी? सर जी पता नहीं, 2:30 के बीच में लगे। आप लोग कहाँ थे सारे? तो सोए पड़े थे सर, आज लगे ना एकदम। जब आप कमर में चले, जब आप वो आए तो लेटरिंग वाले सरकारी, उन्होंने देखा खुद अपना आग लगते हुए। हां खुद उन्होंने भी देखा, लेकिन अभी किसी को चोट नहीं लगी? नहीं नहीं, चोट लगी चोट की, कोई जला नहीं है। ना कोई जला, लेकिन ये जो है कि कोई जला नहीं है, लेकिन ये साफ है कि कहीं ना कहीं। आपका क्या नाम है? आपका भी सामान जला है? कहां है आपकी झुग्गी? आप भी विधवा औरत है? तो क्या, कितने बच्चे हैं आप पे? आप कैसे गुजारा करेंगे? आप खुद भी बुजुर्ग हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगी? गरीबी पूरा, गरीबी अभिशाप बन गया। सारी विधवाएं और बच्चे हैं। तो कहीं ना कहीं जो आरोप लगाए जा रहे थे दूसरे पक्ष के द्वारा, कहा गया कि हमारा कोई भी इसमें रंजिश नहीं है, और कहीं ना कहीं ये एक दुर्घटना है। जो भी इस वीडियो को, इस खबर को देख पा रहा है, शेयर जरूर कीजिएगा। सारा सामान जलकर जो है राख हो गया, और कहीं ना कहीं बेहद ही दुखद स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। और वहीं दूसरे पक्ष ने कहा है आपसी रंजिशों के चलते ये काम किया गया। जो भी इस वीडियो को, इस खबर को देख पा रहा है, शेयर जरूर करते रहिएगा। लेकिन मौके पर पुलिस आ चुकी है, मौके पर कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। अब उस टाइम को दे दीजिए इजाजत। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे IBN24 के साथ। नमस्कार। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।